गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, तो आज हमारे ट्रिप का तीसरा दिन है और आज हम थर्ड डे ट्रेक करेंगे जुड़ा तालाब के लिए। रात भर टेंट में सही से नींद नहीं आई, ठंड की वजह से बहुत चिल्ड है यार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइड विद मोशन। मैं हूं प्रवीण। तो आज हमारे ट्रिप का थर्ड डे है और आज हम लोग ट्रेक करेंगे केदारकंठ समिट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से जाएंगे जुड़ा का तालाब। आप देखते रहो इस पूरे वीडियो को, आज भी बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे 2 से 3 फीट का बर्फ़ जमा हुआ है। कल का रात का जो एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, लेकिन हाँ एडवेंचरस था। फर्स्ट टाइम ऐसा था तो मज़ा बहुत आया, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी कैंप में, नीचे से ठंडी लग रही थी तो ठीक से सो नहीं पाया। तो बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में जो बोल रहे हैं कि दोबारा तो मैं नहीं आऊँगा विंटर ट्रैक के लिए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। अगर दिस टाइम केदारकंठ समिट नहीं कर पाता हूँ तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। तो गाइस, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम लोग तैयार हो रहे हैं आगे के ट्रैक के लिए। तो देखते रहो इस वीडियो को, देखो हम आगे का ट्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, जुड़ा का तालाब कैसा है और आगे का रास्ता कैसा है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और ये है वाशरूम हम लोग का, जहाँ पे फ्रेश होने के लिए आते हैं। ये कैंप से थोड़ा दूर है और डर भी लगता है खेले आने में। तो गाइस, हम लोग अभी जुड़ा तालाब के लिए ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी टीम रेडी हो गई है और मैं भी फुल रेडी हूँ। तो चलो देखते हैं यहाँ से जुड़ा तालाब के लिए कैसा ट्रैक है। और हमारा बेस कैंप, तो फाइनली हम लोग जुड़ा का तालाब पहुंच गए इतनी जल्दी, तो कल शाम को ही खेलते हुए आ जाते यहाँ। सही कह रहे हो वैसे अपन भाई, आप बात तो सही कर रहे हो, हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये है जुड़ा का तालाब। ये 2700 मीटर की हाइट पे है और देखो यहाँ पे भी कैंप लगी हुई है, सब कुछ बर्फ के अंदर। अच्छा, आप कैंप निकाल रहे हो? ये कैंप पूरा बर्फ से ढक चुका है। गाइस, यह है जुड़ा का तालाब, पूरा स्नो से कवर्ड है। सनलाइट बहुत ही तेज है, देखो यहाँ पे पानी है। हाँ, हमने देखा है वीडियो में। तो गाइस, दो तालाब आपस में जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम जुड़ा का तालाब है। और यहाँ पे भी कैंप लगता है, लोग यहाँ पे भी रुकते हैं, बट इस मौसम में नहीं। और देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। गाइस, यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कम ऑन, मारो मारो, मारो। इधर पानी है, ये खौफनाक हमला भाई। भागा भागा नहीं हो। हेलो गाइस, तो ये जुड़ा का लेक आपने देख लिया, अभी हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे जा कर के देखते हैं कैसा है रास्ता, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे का ट्रैक कैसा है। आगे का ट्रैक देखो गाइस, बहुत ज़्यादा स्नो है।
गाइस यहाँ पे 3 फुट से ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। देखो मेरा आधा बॉडी ना 4 से 5 फीट बर्फ यहीं जमी हुई है। तो आगे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा स्नो है, तो कितना डेंस जंगल है। और हमारा सनी भाई आगे आगे रास्ते बनाते हुए जा रहा है। देखो कितना हम लोग धस रहे हैं। सी देखो क्या व्यू मिला है यार, यहाँ जंगलों से ट्रैकिंग करने में। देखो कितना घुस गया मैं। सो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है। सामने वाला पिक ब्राड सर है, वहाँ पे भी ट्रैक होता है। और तो गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ से ट्रैक कितना मुश्किल हो रहा है, डीप बढ़ता ही जा रहा है। अभी अराउंड 5 फुट के अराउंड यहाँ पे स्नो जमा हुआ है। हम आगे यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दिया है जाने को, तो अभी हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, फिर से केदारकंठा का ट्रैक कम्प्लीट करेंगे। क्योंकि विदाउट परमिशन तो हम लोग आगे जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी तक कोई भी ग्रुप जूड़ा के तालाब से आगे नहीं जा पाया है। तो गाइस चलते हैं यहाँ से वापस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल राइड विद मोशन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हम लोग वापस जा रहे हैं, अब वापस कैंप में, वहाँ पे लंच करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग वापस सांकरी बेस कैंप में जाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो गाइस हर एक जगह का व्यू इतना खूबसूरत है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। आपको भी अगर ऐसे व्यूज़ लेने हैं तो आप यहाँ पे आओ, केदारकंठा का ट्रैक करो विंटर में, तो मज़ा आएगा। तो गाइस जुड़ा का तालाब, खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा आ गया।